तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले इस वीडियो में इन्फिनाइट बिटकॉइन के बारे में, क्या इन्फिनाइट बिटकॉइन रियल है या फिर फेक है। तो हम इसी वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो जो लोग नहीं जानते हो कि इन्फिनाइट बिटकॉइन क्या है, तो मैं उसको बता देता हूँ कि इन्फिनाइट बिटकॉइन एक ऐसी कंपनी है जो कि दावा करती है कि अगर आप पैसे इसमें इन्वेस्ट करते हो तो ये आपके पैसे को स्टॉक में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाती है और उसके बाद ये आपको ज्यादा रिटर्न देती है। मतलब कि आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत ही कम समय में ज्यादा रिटर्न मिलेगा। बेसिकली इनको कहना है कि आप इसमें पैसे इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद फिर हम ट्रेड करेंगे और आपके पैसे से हम ट्रेड करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको हम देंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम देंगे, ये दावा करती है। ये 100% गारंटी देती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इनके बात को मान करके इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल रहा है। देखो, ये पहली कंपनी नहीं है कि ये इस तरीके की काम कर रही है। इस तरीके की कंपनी बहुत सारी हैं और कुछ कंपनी बंद भी हुए हैं, जैसे कि एक कंपनी थी क्रेडिट बुल करके, ये कंपनी थी जो कि इसी तरीके की काम करती थी और वो कंपनी भाग गई। भागती क्या भाई, देखो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कंपनी बोलती है आपको कि हम आपके पैसों को लेकर के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, ये झूठ है, ऐसा नहीं करता ये। इनका एक बेसिक रूल होता है, जैसे कि इसमें रूल ये होता है, आज आपने इसमें अकाउंट बनाए, आपने पैसे इन्वेस्ट किए, उसके बाद फिर कल किसी ने अकाउंट बनाया और वो पैसे इन्वेस्ट किए तो उसका पैसा आपको दे दिया जाता है। वो पूरा नहीं देते, कुछ रिटर्न देते हैं जो कि आपको 7% 8% कुछ ही दिनों में रिटर्न मिल जाते हैं। मतलब जैसे जैसे नया यूजर आता है उसका पैसा पुराने यूजर को दिया जाता है। तो ये जो बिजनेस है ये इसी प्रकार से चल रहा है। ये नहीं है कि ये बिजनेस इन्वेस्ट कर रही है स्टॉक मार्केट में, ये ट्रेड कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो आप यहाँ पर ये भी सोच सकते हो कि अगर नए यूजर आना बंद हो जाएंगे तो क्या होगा। तो देखो, अगर नए यूजर आना बंद हो जाएंगे तो इसका कंपनी बंद हो जाएगी और जो भी लोग इससे पैसे इन्वेस्ट किए होंगे उसके पैसे डूब जाएंगे। और अब ऐसा ही लग रहा है क्योंकि इसके बारे में लोग नेगेटिव वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो नए यूजर है वो आने बंद हो जाएंगे और जो पुराने लोग हैं उनके पैसे डूब सकते हैं। और ये जो बोलते हैं कि हम आपके पैसे को स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, हम ट्रेड करते हैं, तो इनके पास स्टॉक ब्रोकिंग लाइसेंस क्यों नहीं है, ये भी सोचने वाली बात है। मतलब कि NBFC जैसी लाइसेंस होती है वो इसके पास नहीं है और ये जो भी पेमेंट लेते हैं ये अपने करंट अकाउंट में लेते हैं। मतलब कि इस कंपनी का एक करंट अकाउंट है, उसी में ये पेमेंट लेते हैं और इसी से देते हैं। तो इसके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है, NBFC का लाइसेंस हो गया, ब्रोकिंग का लाइसेंस हो गया, ये सब लाइसेंस नहीं है इनके पास, तो हम इसके ऊपर कैसे विश्वास कर लें। बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि ये कंपनी तो बहुत दिनों से चलता आ रहा है, 1 साल 2 साल हो गए हैं, तो ये बंद कैसे हो सकता है। तो देखो, कब किसका समय खराब हो जाता है इसका कोई कहना नहीं है। वैसे तो इसके बारे में अभी से नेगेटिव बातें फैलना स्टार्ट हो गई है तो लोगों का ध्यान जाएगा इसके ऊपर, तो नए यूजर आना बंद हो जाएंगे तो पुराने यूजर के पैसे डूब सकते हैं। तो आप लोग खुद से सोच लेना कि अब आपको क्या करना है। ये पहली कंपनी नहीं है जो कि ऐसा काम कर रहा है, इसके जैसे बहुत सारी कंपनी आए हैं और हैं भी और कुछ कंपनी बंद भी हो गए हैं। तो आपको सतर्क रहना, सावधान रहना है, आपको सोच समझकर ही इसमें पैसे इन्वेस्ट करना है। जैसे कि क्रेडिट बुल नाम की एक कंपनी थी वो भी भाग गई, उसको लोग ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है, पैसे लेकर के उसके डायरेक्टर वो भाग गए हैं। और कुछ इस प्रकार से हाल ही में हुआ है कि हाई बॉक्स नाम का एक एप्लीकेशन था जो कि उसका काम भी ऐसा ही था, वो एक यूजर से पैसे लेकर के दूसरे यूजर के देता था, मतलब एक राउंड की तरह घूमते रहता था। तो उस ऐप के साथ ये हुआ था कि उसका पेमेंट रोक दिया गया था, तो जिससे पुराने यूजर के पैसे विड्रॉल नहीं हो पा रहे थे, मतलब कि नए यूजर पैसे नहीं डाल पा रहे थे, तो इसके वजह से पुराने यूजर के पैसे रुक गए थे और शायद अभी तक किसी का भी पैसा वापस नहीं आया है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है जैसे कि क्रेडिट बुल कंपनी के साथ हुआ, हाई बॉक्स कंपनी के साथ हुआ, तो शायद ऐसा हो सकता है। तो आप लोग सावधान रहना, आप लोग सोच समझ कर ही इसमें पैसे इन्वेस्ट करना। बाकी मैंने इन्फिनाइट बिटकॉइन के वेबसाइट को जाकर के देखा तो मैंने उसका कुछ डिटेल्स निकाला तो वो प्राइवेट था कुछ डिटेल्स वहाँ पर। बाकी आपको पैसे इसमें इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना ये आपके ऊपर है, आपका पैसा है, आपका मर्जी, आप जो चाहे वो कर सकते हो। मेरा काम था कि बस बता देना, मैंने बता दिया। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को और प्रेस करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।